जम्मू कश्मीर के राजौरी के डांगरी गांव में आईडी ब्लास्ट में इसकी मौत से 10 घायल। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी। नोटबंदी मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, नोटबंदी के खिलाफ सभी याचिकाएं खारिज। केंद्र सरकार को मिली क्लीन चिट। मैक्सिको की जेल पर बंदूकधारियों का हमला, 10 सुरक्षाकर्मी और 4 कैदियों की मौत, 24 कैदी फरार। यूपी के 59 जिलों में ऑरेंज येलो अलर्ट जारी। लखनऊ समेत 29 जिलों में कोल्ड डे की चेतावनी। लगभग 15 जिलों में शीतलहर चलने का अलर्ट। व्यवसायी के गैस सिलेंडर 25 रुपए हुआ महंगा। बड़ी दर तत्काल प्रभाव से हुई लागू। अभी तक 1840 रुपए 50 पैसे में मिल रहा था सिलेंडर। 48 घंटे बाद आईसीयू से बाहर आए ऋषभ पंत। प्राइवेट वार्ड में किया शिफ्ट। 5 विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम 24 घंटों की सेहत पर रखे नजर। मुख्यमंत्री रामी नववर्ष की दी शुभकामनाएं। सीएम ने कहा प्रदेशवासियों को नववर्ष की बधाई एवं शुभकामनाएं, साथ ही सभी के जीवन में सुख समृद्धि की कामना की। सीएम धामी ने किया बालिका आवासीय विद्यालय का लोकार्पण। सीएम ने बच्चों को नए साल की बधाई दी। कहा 11 बालिका आवासीय विद्यालय शुरू करेंगे। राजधानी देहरादून में स्वच्छता सर्वेक्षण अभियान जारी। नगर निगम के मेयर सुनील उनियाला गामा ने कहा स्वच्छ सर्वेक्षण में लगातार देहरादून में हुआ सुधार। विधानसभा के निलंबित सचिव मुकेश सिंगल को बड़ा झटका। विधानसभा स्पीकर ने सचिव सिंगल को 2 रैंक किया रिवर्ट। सिंगल को संयुक्त सचिव रैंक का मिलेगा वेतन। गाजियाबाद में देवर ही निकला भाभी के प्रेमी का हत्यारा। 17 वर्षीय युवक का शव गन्ने के खेत में पड़ा मिला था। भोजपुर पुलिस ने किया हत्या का खुलासा। पन्ना में ग्रामीणों ने किन्नर सरकार के चरणों में माथा टेक कर 30 साल की शुरुआत। बीजेपी के अमानगंज के सभी बूथ प्रभारी पहुंचे। 3 तारीख को किसान सम्मेलन के चर्चा की रखी बात। अजवानी भक्तों ने की माँ लक्ष्मी मंदिर के दर्शन के साथ नए साल की शुरुआत। मंदिर में श्रद्धालुओं की लगी लंबी लंबी कतारें। सिंधा नेवरा में मंदिर में मिली हनुमान जी की खंडित मूर्ति। मंदिर में तोड़फोड़ करने से धर्म सेना और ग्रामीण आक्रोश। शरारती तत्वों पर पुलिस प्रशासन से की कार्रवाई करने की मांग। मां की डांट से नाराज होकर घर से चली गई नाबालिका। नोट लिखकर जीवन लीला समाप्त करने के लिए बात। पुलिस ने बच्ची को 6 घंटे में किया बरामद। नोएडा के थाना सेक्टर 12 का मामला। अशोकनगर के तहसीलदार पुलिस प्रशासन चंदेरी ने कब्जा की गई भूमि मुक्त कराए। भूमि पर 15 साल से कब्जा किए हुए थे अतिक्रमणकारी। 10,000 वर्ग फीट भूमि पर अतिक्रमण किया हुआ था। स्टंट करते युवकों का वीडियो हुआ वायरल। 1090 चौराहे पर कार से स्टंट करते दिखे युवक। सड़क पर शराब पीते युवकों का वीडियो हुआ वायरल। ग्रेटर नोएडा ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर लड़की का मिला शव। तस्वीरें विचलित करने वाली। गाड़ी के टायर से सिर कुचला हुआ। हत्या कर शव को फेंके जाने की आशंका। पुलिस मामले की जांच की स्थिति। गाड़ी थाना क्षेत्र का मामला। गोंडा में नववर्ष पर 2 पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट। पुलिस मामले की जांच में जुटी। बड़गांव जिले के अंतर्गत दुर्गा मंदिर के पास का मामला। उत्तराखंड में कड़ाके की ठंड का असर शुरू। हल्द्वानी में दिन प्रतिदिन जोर पकड़ रहा रेलवे प्रकरण। ठंड में भी हुआ करते नजर आए स्थानीय लोग। लखनऊ में मलियाबाद में रोड निर्माण में हुआ खेल। दुर्गागंज से लेकर ईदगाह पुरिया तक सड़क की चौड़ाई कम कर बना दी गई नई सड़क। विधायक ने अधिकारी को फोन पर लगाई फटकार। हल्द्वानी में बनभूलपुरा को अब सुप्रीम कोर्ट से राहत की उम्मीद। अतिक्रमण हटाने के विरोध में सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार की याचिका। 5 जनवरी को होगी अगली सुनवाई। दिल्ली में कार ने लड़की को 4 किलोमीटर तक घसीटा हुई मौत। पीठ सिर की हड्डी तक छिल गई। मां ने कहा इतने सारे कपड़े पहने थी फिर नेकेट कैसे मिली। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आईडी ब्लास्ट। राजौरी हमले में मारे गए लोगों को 10-10 लाख की सहायता देकर प्रशासन एलजी का ऐलान। निजान की फैमिली बोली तुनिशा को दरगाह नहीं ले गए। बहने बोली परिवार से तुनिशा के रिश्ते ठीक नहीं थे। माँ उससे कंट्रोल करती थी।